सारे भारतवर्ष में मैंने एक ही बात देखी कि जहां जा गया बाबा श्याम के 70% भक्त मुझे कुछ अलग मिले, 30% कुछ अलग मिले। आप जैसे 70% जो मिले वो सब मिले खाली दे 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 दे। आपको अच्छे 30% में पल्लो भर दे, झोली भर दे, गोपी दे 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 दे। आजकल तो बात लाल फरारी तक पहुंच गई है। बात थोड़ी गंभीर कर रहा हूं। जिस देव ने 16 वर्ष की उम्र में अपना शीश काट कर दे दिया, ये अरारी फरारी कहां रह गई? यही वाली बात मैं एक दिन बनारस में कह रहा था, एक भक्त बहुत नाराज हो गए, भाई साहब ऐसे ऐसे क्यों कर रहे थे? भैया भूल हो गई, मत बुलाना। मैं नहीं नहीं अगली बार दूर की बात, इस बार पैसे दिए बता के जाना पड़ेगा। जब बात पैसों तक पहुंच गई तो बताना पड़ गया मुझे, क्षमा करना महाराज, छोटा मुंह और बड़ी बात। मैंने उनसे ये भी कहा, देखो जो मैं मांगता हूँ आप मत मांग लेना, कि बाबा ने सुनी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। बोले नहीं नहीं हम तो ये सुनना चाहते हैं कि आप क्या मांगती हो। तो देखिए ये पागल क्या मांगता है महाराज से, इसे मेरे तक रहने देना, अपने को मत लेना। पागलों तक कि मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना। अभी कोई नेताजी आ जाए हम सब आड़े टेढ़े हो जाते, एक बार मेरे को देख ले, देखकर क्या होने वाला। ये पागल भगवान से कह रहा कि मैं अगर देखूं तो देखूं, तुमने मुझको देखना, और तुमने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। श्याम तुम होगे क्षमा, काफूर हो जाऊंगा मैं अगर महाराज, मैं अगर कुछ तुमसे मांगूं। हाँ मैं, ये भक्त तो बहुत अच्छे, बहुत भोले भाले भक्त हैं, बहुत भावुक भक्त हैं महाराज। ये एक मांगे इनको तीन देना, एक मांगे इन्हें तीन देना, लेकिन तेरी मेरी बात सुन, मैं अगर कुछ तुमसे मांगूं तुम मुझे देना ना कुछ। मैं अगर कुछ तुमसे मांगू तुम मुझे देना ना कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। मैं अगर तुमको जो चाहूं महाराज, मैं अगर तुमको जो चाहूं तुम ना मुझको चाहना, मैं अगर तुमको जो चाहूं तुम ना मुझको चाहना, और तुमने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा। देखिए मेरे मानने को ऐसी है, आप इस चक्कर में मत पड़ना। मैं तो अपनी बात कहूंगा, लोग मुझसे कहते 20 साल हो गए भगवान भजन गाते गाते भगवान के, मनोज जी अभी तक नैनो में ही अटके हो? मैं नैनो में ही भरा, क्योंकि बिना मांगे जो महाराज ने मुझे दिया है वो शीतल भैया ने आपको बताया, बड़ी कृपा की मुझ पर। आप लोगों से भी प्रार्थना है, कल से मांगना बंद कर दीजिए, ऐसा कुछ दे देगा जो हमने आपने सोचा भी नहीं। आइए अब मैं अपने अनुभव पे जाऊंगा, मेरे अनुभव सुनिए। पहली बार गया रोते रोते भगवान को शिकायत सुनाई, जब शिकायत सुनाई मुझे बहुत सारी तालियों का आशीर्वाद मिला, जब तालियां मिली मैंने धन्यवाद के लिए नजरें उठाई, और जो ही मैंने नजरें उठाई तो क्या देखता, मेरों को भाई और दिल में समाए कन्हैया, तुम्हें जब दूर से देखें हमें तुम पास लगते हो, अगर नजदीक से देखें तो हमें तुम खास लगते हो। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने फिर एक बार देखा,
हजारों बार देखा है, हजारों बार सजते हो, मगर क्या बात है कान्हा, कसम के आज लगते हो।